चैप्टर 35 पते हो तुम्हारा हक है मुझे। अब आगे रात के 11:30 बज चुके थे, पर अब तक रिशान वापस नहीं आया था। वहीं आरोही को ना जाने क्यों रिशान का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस बड़े से कमरे में काफ़ी खालीपन सा लग रहा था, पर वो बहुत बाहर भी तो नहीं जा सकती थी। उसने काफ़ी देर तक रिशान का इंतज़ार किया, पर जब वो नहीं आया तो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके वो सो गई, और थकावट के कारण उसे नींद भी आ गई और वो दुनिया जान से बेखबर सोने लगी। वहीं दूसरी ओर एक अनजानी जगह एक बड़े से काले रंग के कमरे में कई सारे कार्स एक लड़की को घेर कर खड़े थे, और वह लड़का गुस्से से उन सबको देख रहा था। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया और वहीं उस लड़के के सामने की ओर देखा तो उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। वहीं वो शख्स आगे बढ़ा तो सभी गार्ड्स दो तरफ बट गए, साइड में खड़े हो गए। वो आदमी दमदार व्यक्तित्व का अब उस लड़के के ठीक सामने सोफे पर किसी राजा की तरह अपने हाथों की पाई फैलाकर बैठ गया और एक तत बिना किसी भाव से उस लड़के को घूरने लगा। तभी उस लड़के ने डर से कहा, क्यों क्या आपने ऐसा, आप तो मेरी बहन को छोड़ दो। ऋषभ के पास सामने बैठे रेशान ने अपनी दमदार आवाज़ में कहा, छोड़ने के लिए उससे शादी नहीं किया। ऋषभ, वो बहुत बुरी है, उसे इन सब की कोई समझ नहीं है। शादी क्या होती है उसे नहीं पता, वो आपके साथ नहीं रह सकती। ऋषभ की बात सुन अचानक उसे कमरे का तापमान गिरने लगा, जिसे महसूस कर ऋषभ का क्या रिशान अपने कूल औरा के साथ अपनी जगह से उठा और ऋषभ के सामने जाकर उसके गले पर अपनी पकड़ बनाते हुए हर एक शब्द को खतरनाक अंदाज में दांत पीसते हुए बोला, अगर नहीं समझती है तो समझा दूँगा तुझे, उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरे साथ रह पाने की, तो ये सिद्ध है मेरी, भले ये ज़बरदस्ती से, पर अब वो कहीं नहीं जाएगी। ऋषभ की आंखों में एक आंसू निकल आया और वो बोला, हाँ ऐसा क्यों कह रहे हो, बहन है वो मेरी, वो आप और आप एक माफिया हो, जब वो उसे आपकी सच्चाई पता चलेगी तो वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। निशान एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, और ये कौन बताएगा उसे। ऋषभ चुप हो गया। रिशान ने उसके कॉलर को सही करते हुए कहा, अभी तक जिंदा इसलिए खड़े हो क्योंकि भाई कहती है वो तुझे, और अगर तुझे एक भी खरोच आई तो वो चैन सहन नहीं कर सकती, और इसलिए अभी तक सही सलामत हो, और अगर जुबान खोली तो फिर मैं भूल जाऊँगा कि तुम उसके भाई हो। रिशान का ऐसा खतरनाक रूप देख ऋषभ के रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत धीरे से बोला, पर मुझे एक बार उससे मिलने दो, बस एक बार। रिशान ने एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, होना होता है तो एक पल में ही बहुत कुछ हो जाता है, तो अब मैं कैसे, तुझे अपनी जान से एक बार मिलने दो। रिशान की बात सुन ऋषभ निःशब्द होकर चुप हो गया। वो इतना ज़रूर चाहता था कि शायद अब वो उसके बहन से कभी मिल ना सके, पर उस शैतान को कहाँ अपने आरोही के सिवा किसी और का दुख या दर्द से फर्क पड़ रहा था। रिशान ने एक गार्ड्स को इशारा कर अपने पास बुलाया और रॉब से बोला, जाओ सारे साहब को इज्जत के साथ उनके घर छोड़ कर आओ। इतना कह उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला और अपने लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ गया, तो कुछ गार्ड ने कमरे का गेट खोल दिया और रिशान उस कमरे से चला गया, और पीछे खड़ा ऋषभ बेबसी से उसे ज़्यादा देखता रह गया। रिशान के कमरे में
जिशान जैसे ही अपने कमरे में एंटर हुआ, उसकी नज़र सबसे पहले आरुही पर गई, जो बड़ी आराम से बेढंग तरीके से सो रही थी। उसे देखते हुए निशान के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसके कदम अपने आप ही आरुही की तरफ बढ़ गए। उसने आरुही को पहले अच्छे से बिस्तर पर सुला दिया और खुद उसके चेहरे को एक तरह निहारने लगा। कमरे की मंद रोशनी में आरुही का सुंदर सा चेहरा बहुत चमक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी पलकें अभी बंद थी। निशान अभी जिसका चेहरा के भाव सख्त थे वो थोड़े नर्म हो हुए। वो आरुही के ऊपर थोड़ा सा झुका और हल्के से उसके होठों को छू लिया। इस वक्त आरुही भी नींद में थी, जिससे उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। निशान ने आरुही के बालों को चलाया और खड़ा होकर कमरे में बने क्लोजेट सेक्शन में चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और बिस्तर पर आरुही का ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल आरुही को अपनी बाहों में भर कर उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। कितना मासूम और शीतल चेहरा है ये, कैसे कोई इस प्यारी सी लड़की को दुख पहुंचा सकता है। उसे तो जिंदगी भर किसी मोम की गुड़िया की तरह सहजा जा सकता है। अगली सुबह सूरज की किरणें जब आरुही के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। वो कसबसाते हुए बिस्तर पर बैठ गई और बच्चों की तरह आंखें मीचते हुए बोली, वाह आज तो बढ़िया सी नींद आई, पर कृष्ण भैया मुझे उठाने क्यों नहीं आए। पर तभी उसकी नज़र रूम पर गई तो उसे सब कुछ याद आ गया और वो उदास होकर बोली, हे भगवान मैं तो भूल ही गई, अब तो मेरी शादी हो गई है ना मिस्टर शहदाद से, पर क्या वो रात से अभी तक नहीं आए। आरुही अपने आप से बड़बड़ कर रही थी, तभी उसे बालकनी में कुछ आवाज़ आई। आरुही ने धीरे से ब्लैंकेट हटाया और पैर से उठकर बालकनी की ओर चली गई तो देखा उसके शहदाद साहब अपने पुशअप्स कर रहे थे, जिसे देख आरुही तो मानो कहीं खो सी गई। निशान ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और वो शर्ट लेस था और एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पर पसीने से भीगी हुई थी। इससे उसकी मस्कुलर बॉडी और चौड़ा सीना बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे इस तरह से देख आरुही को अपनी पूरी बॉडी में एक हलचल महसूस हुई। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और बोली, मानना पड़ेगा ये सच में बहुत हैंडसम है। पर जब आरुही को एहसास हुआ कि अभी उसने क्या कहा और क्या बोला, वो कैसे निशान को देख रही है, तो उसे शर्म आ गई और वो बोली, क्या आरू तू भी ना, अगर इन्होंने तुझे ऐसे देख लिया तो फिर ना जाने क्या क्या बोलेंगे। इतना खैर आरुही वॉशरूम जाने के लिए मुड़ी कि तभी सेल्फ में रखा एक फास्ट नीचे गिर गया तो आरुही की हालत ख़राब हो गई और वह अपने आप को कोसने लगी। वही आवाज़ सुन निशान जो पुशअप कर रहा था वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तय गई। वो पीछे मुड़ा और जहाँ आरुही रोनी शक्ल लिए फास्ट को देख रही थी, जब आरुही को एहसास हुआ कि निशान उसे ही देख रहा है तो वो बोली, सॉरी वो मैं चाह ही रही थी, वो गलती से गिर गया। निशान आरुही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। इस वक्त आरुही ने निशान का शर्ट पहना हुआ था और वो भी वो शर्ट इतनी बड़ी थी कि आरुही के पतले से शरीर पर बार बार खिसक रही थी और आरुही उसे कंधे पर सर चढ़ा रही थी। वो इस वक्त सच में किसी छोटे से सफ़ेद खरगोश की तरह लग रही थी। निशान की शर्ट आरुही की थाई से थोड़ी ऊपर थी, जिससे आरुही के गोरे और सुंदर पैर भी दिख रहे थे और वो लड़की बार बार उस शैतान को अपनी इस अदा पर घायल कर रही थी। वो जैसे ही आरुही को एहसास हुआ कि निशान उसे क्यों देख रहा है तो वो परेशान हो गई और बोली, एक्चुअली इसके लिए भी सॉरी, वो मेरे पास कपड़े नहीं थे और लहंगा बहुत भारी था तो मैंने इसे पहन लिया। आरुही की बात सुन
शाम के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई और वो आरोही की तरफ बढ़ने लगा। वहीं निशान को अपनी ओर आता देख आरोही का डर से घबरा गई और अपने कदम पीछे लेने लगी और दीवार से जाकर सेट गई और बोली, सॉरी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना खैर आरोही निशान के बाजू में से जाने लगी तो निशानी ने बाल पर हाथ रख लिया, जैसे आरोही की दिल की धड़कन तेज हो गई और जो निशान उसकी ओर झुका और बोला, तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रही हो। आरोही ने छली से अपना सर नामे हिलाया और बोली, नहीं नहीं मैं तो बस फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ जाने दो। निशान, और फिर क्या पहनोगी? निशान की पाचन आरोही चुप हो गई और रोनी शक्ल बनाकर बोली, मैं क्या करूँ, सब आपकी गलतियाँ। निशान की आंखें छोड़ी हो गई और वो उसे घूर कर देख कर बोला, कैसे? आरोही, जब ट्रेन में से आप मुझे ला रहे थे तो मेरे बैग में ले आना था ना, उसमें ही मेरी सारी ड्रेस थी। आरोही की पाचन निशान ने बुरी तरह से उसे घूरा। आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी नज़रों से नज़रें मिला सके और देख सके, और ये लड़की ने सिर्फ ना लड़की उस पर ही इल्ज़ाम लगा रही थी। तभी उसके कानों में आरोही की आवाज़ आई, सुनो ना निशान। आरोही, अब क्या करूँ? निशान ने अपना सर झटका और आरोही को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे आरोही को बहुत अजीब लगा। निशान के ऐसे उठाने से शायद पूरी नहीं पर हल्की सी ऊपर हो गई थी, जिससे आरोही बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने निशान के कंधों पर हाथ रखा और शर्माती हुई बोली, प्लीज़ नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ। निशान, अब एक शब्द नहीं, पति हूँ तुम्हारा, कोई कह नहीं, ये सब करना हक है मुझे और जो कर रहा हूँ करने दो। आरोही, अब क्या? निशान की पाचन आरोही के गाल लाल हो गए, वो चुप हो गई। वही निशान उसे लेकर अपने बड़े से क्लोजेट सेक्शन में आ गया, जहाँ पर डिज़ाइनर कोट, जूते, गॉगल्स सब के बेहतरीन कलेक्शन थे। निशान ने आरोही को नीचे उतारा और एक वॉर्डरोब के सामने खड़ा करते हुए उसे खोल दिया और जैसे ही आरोही ने अंदर देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस वॉर्डरोब में अंदर तरह तरह की ब्रांडेड साड़ियाँ थीं और साथ ही साथ लड़कियों के उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें। ये सब देख आरोही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये सब मेरे लिए? निशान, आरोही, पर ये सब आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लड़की भी नहीं है, और मैं ऐसे कैसे ये ले सकती हूँ? निशान ने पीछे से आरोही की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके कंधों पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, मैं और ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें जो भी पसंद आए उसे पहनकर आ जाओ। इतना कहकर उसने आरोही के सरके हुए कंधों पर अपने होंठ रख दिया और निशान के यूँ करने से आरोही सियर उठी, उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली, जैसे निशान मुस्कुरा उठा। उसने धीरे धीरे आरोही की पतली से गर्दन से लेकर उसके कंधे तक अपने होंठ फेरना शुरू कर दिया, जिससे आरोही बेकाबू होने लगी। उसकी पूरी बॉडी में एक स्पार्कल डॉल उठा। उसने कसकर निशान के हाथों को पकड़ लिया जो उसके पीठ पर थे। वो निशान से अब धीरे से अब वही निशान है अब धीरे से आरोही की शर्ट को थोड़ा और नीचे करा और उसके कंधों पर हल्का सा काट लिया, जैसे से आरोही सियर उठी। वो अपने होश में आई और उसे बहुत शर्माई, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रें उठाकर सामने मिरर में देख सके, क्योंकि उसे पता था कि निशान उसे ही देख रहा है। तभी निशान ने उसके कानों में काटते हुए कहा, ऊपर देखो। आरोही ने अपना सर नामे ला दिया
और मौका पाकर रिशान के सीने पर अपनी कोनी से धक्का देकर अलमारी से जल्दी से एक साड़ी उठाकर क्लोसेट से निकल वॉशरूम में घुस गई। वहीं रिशान के चेहरे पर एक बेहद हसीन मुस्कान तैर गई और वह अपनी कातिल निगाहों से आरोही को देखने लगा। सो, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप इस स्टोरी का चैप्टर 36 आपकी माँ कहाँ पर है? अब आगे। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। आरुही ने अपना सर बाहर निकाल कर रूम में झाँका। रिशान रूम में नहीं था, जिसे देख आरुही ने चैन की सांस ली और बाहर आकर ड्रेसिंग के सामने बैठ गई। आज आरुही ने एक बेहद सुंदर सी पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके पल्लू पर डायमंड का वर्क था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और मंगलसूत्र के साथ एक डायमंड का नेकलेस पहन लिया और वो बिल्कुल नई नवेली प्यारी से दुल्हन की तरह तैयार हो गई। आरुही का लुक कुछ इस तरह का था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और गेट की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बोली, रेशान तो यहाँ पर नहीं है, तो क्या मैं कमरे से बाहर जाऊँ या नहीं? आरोही यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। आरोही ने तुरंत अपनी पीठ पर देखा तो हैरान हो गई। उसकी कमर पर एक सुंदर सा कमरबंद था, जो कि खड़े सोने का था, जो कि काफ़ी पुराना और ख़ानदानी लग रहा था। आरोही ने झट से नज़रें उठाकर सामने देखा तो रेशान को देखा, जो उसे पीछे से पकड़ उसकी कमर पर कमरबंद बांध रहा था। तभी आरोही ने कहा, ये आप मुझे क्यों पहना रहे हैं रेशान? ये मेरी माँ का है। आरोही, तो आप ये माँ का है? रेशान छोड़कर चली गई। आरोही को ऐसा एहसास हुआ कि रेशान ने ये बात बड़ी बेरुखी और एक दर्द के साथ कही थी। आरोही को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो बस चुपचाप खड़ी रही। रेशान ने आरोही की कमर बंद अच्छे से पहना दिया और उसे अपनी तरफ मोड़ कर बोला, कहाँ है? आरोही ने ना समझी में, क्या रेशान? मेरी निशानी। आरोही उसे संभालिए नजरों से देखने लगी तो रेशान ने टेबल से एक सिंदूर की टिप्पी उठाई और अपने हाथों से उसकी मांग भरकर उसके चेहरे को शिद्दत से बोला, तेरे चेहरे पर मेरा नूर होगा, फिर तो कभी ना मुझे नूर होगा। सोच क्या सुकून मिलता है जब तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर दिखता है। आरोही, सॉरी, वो मैं भूल गई थी, आगे से ध्यान रखूंगी। रिशान ने आरोही की कमर पकड़ अपने करीब खींचा और उसके चेहरे को निहारते हुए उसके बालों की लट उसके कारों के पीछे करते हुए बोला, आज अपने होस्टल से कत्ल करने का इरादा है क्या? आरोही अपनी नजरें इधर उधर फेरते हुए बोली, मैं कुछ नहीं करती, बस लोगों के साथ अपने आप भी ऐसा हो जाता है, तो मैं क्या करूं? आरोही की बात सुन रिशान के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। लड़की दिखती मासूम है पर जवाब देने में बिल्कुल तीखी मिर्ची है। तभी आरोही के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आई। रिशान ने उसकी पेट की ओर देखा, जिससे आरोही छेम गई। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। रिशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ कमरे से निकल नीचे ले जाने लगा। आरोही भी चुपचाप किसी आगे क्यारे बच्चे की तरह उसके पीछे चले लगी। रिशान आरोही को लेकर डाइनिंग एरिया में आया। आरोही आज पहली बार डाइनिंग एरिया में आई थी। बीचों बीच एक बड़ा सा कांच का टेबल था, जिस पर महंगे महंगे क्रॉकरी रखे हुए थे और उसके पास कई सारे सर्वेंट्स अपना सर झुकाए खड़े थे। रिशान ने आरोही को एक चेयर पर बिठा दिया और खुद उसके पास हेड चेयर पर बैठ गया। उनके बैठने के बाद सर्वेंट्स ने उन दोनों को खाना सर्व करा। कुछ ही देर में टेबल बहुत सी डिशेज से भर गई थी। आरुही को ऐसा लगा जैसे वो किसी 5-स्टार होटल में बैठी हुई है। तभी रिशान उसकी ओर एक स्पून बढ़ाता है। आरुही भी अपना मुंह खोल
दे दिया। पर जैसे ही आरुही ने सूप को पिया, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसे उल्टी करने का मन कर रहा था। निशान एक तरह उसके बदलते बिगड़ते भाव को देख रहा था, जिससे आरुही ने ज़बरदस्ती से सूप को अपने गले के नीचे घटका और बोली, मुझे ये नहीं खाना। निशान, क्यों आरुही? इसका टेस्ट बहुत गंदा है। निशान, ये खाना तुम्हारे लिए हेल्दी है और तुम जो बाहर का कुछ भी खा रहे हो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। निशान की बात सुनकर आरुही का मुंह फुल गया था। निशान ने फिर से आरुही की तरफ स्पून बढ़ाया तो आरुही ने अपना मुंह ना में हिला दिया, तो निशान ने उसे आंखें दिखा दी और निशान की आंखों को देख आरुही डर गई। उसने चट से अपना मुंह खोल दिया और थोड़ी देर बाद उसने भी निशान की तरफ एक निवाला बढ़ाया कि कुछ मिनटों के लिए तो सही, पर उसे थोड़ी राहत तो मिले। पहले तो निशान उसके ऐसे करने से हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने भी आरुही के हाथों से खा लिया और बीच में वो उसके नासुक से उन्हीं को काट भी रहा था। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे का खाना ख़त्म किया। खाना खाने के बाद निशान अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरुही को भी खड़ा करते हुए बोला, चलो आरुही। कहाँ? निशान, ऑफिस। आरुही, क्यों? निशान ने उसे घूर कर देखा और बोला, इतनी जल्दी भूल गई, तुम वहाँ पर इंटर्न्स की जॉब कर रही हो। निशान की बात सुन आरुही कुछ पल तो हैरान हो गई। उसे तो लगा था कि निशान अब कभी भी उसे इस घर से बाहर नहीं निकलने देगा। अगले पल वो खुशी से चहक उड़ी। अब वो तो बाहर जाकर अपने भाई से भी मिल सकते हैं। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अच्छा ठीक है, पर सबसे पहले मैं अपने घर जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मेरे ऑफिस का सारा सामान रखा है ना। निशान, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑफिस में अवेलेबल हो जाएंगी। निशान के बाद से आरुही को बहुत गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि इस आदमी को खूब पीटे, पर वो निशानी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बात का अंजाम क्या होगा वो बखूबी चाहती थी। निशान ने आरुही का हाथ पकड़ा और उसे जाने के लिए जैसे ही हॉल में आया कि तभी गेट से कुछ गार्ड्स एक बच्चे जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास की होगी उसे घेर कर आ रहे थे। जैसे ही उस बच्चे की नज़र सामने खड़े निशान पर गई, वो दौड़ कर उसके पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। वहीं जैसे ही आरुही ने ये नज़ारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई क्योंकि निशान भी उसकी पीठ को नाजुकता से सहला रहा था। सो, कौन है ये बच्चा? यानी कैसे? आगे स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है और हमारी हीरोइन को बहुत झटके मिलने वाले हैं, और वो झटके क्या, कब और क्यों मिलेंगे ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। सो, क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।